हेलो, वेलकम टू एडवाइसर। आज हम लोग एमसीक्यू ऑन इकोलॉजी पे पार्ट टू वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आप लोग ने ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। देखिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वो जितनी भी चीज़ें, जैसे हम फॉरेस्ट को कट करते हैं, या किसी तरीके से हम लम्बरिंग कर रहे हैं, या किसी तरीके से हम कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें हमारे हमारे जो है पेड़ कट रहे हैं, तो वो सारे जो है इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, और वो सारी चीज़ें जिसमें हम पेड़ लगाना है, या रेन वाटर का मैनेजमेंट, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है, या बायोस्फीयर रिजर्व बना रहे हैं, या नेशनल पार्क बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हेल्प करती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 वही पूछा है, कौन सा इसमें ऐसा है जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हेल्प नहीं करता है। तो इसमें आंसर होगा आपका कटिंग फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट को आप कट करोगे तो डेफिनेटली वो आप कहीं से भी इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन नहीं कर रहे, क्योंकि अगर फॉरेस्ट कट करोगे वहाँ पे जितने भी जानवर हैं जो जो डिपेंडेड हैं उन फॉरेस्ट के ऊपर, उन प्लांट्स के ऊपर, उन सबका जो होम रेंज है, उन सबका जो हैबिटेट है, निश है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जैसे जंगल फॉरेस्ट है उसको आपने पूरा काट दिया, ठीक है, सारे पेड़ों को काट दिया, दैट इज डीफॉरेस्टेशन। ठीक है, और डीफॉरेस्टेशन के बाद जब दोबारा से हम वहाँ पेड़ लगाते हैं और एक फिर से एक उस फॉरेस्ट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, दैट इज एफॉरेस्टेशन। ठीक है, थर्ड है रेन वाटर मैनेजमेंट, यानी कि बारिश का पानी जो आ रहा है उसको हम छत में कुछ इस तरीके से सुविधाएं करें जिसकी वजह से बारिश के पानी को हम स्टोर कर सके और उसको रीयूज कर पाए, दैट इज रेन वाटर मैनेजमेंट। बायोस्फीयर रिजर्व होता है जिसमें जो भी एनिमल्स हैं उनको उनके नेचुरल कंडीशन में ही हम उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ एक ऐसा एरिया है, जैसे आप बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे तो एक ये वाला एरिया है जिसमें वो जो भी एनिमल्स है वो अपने नेचुरल कंडीशन में रह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो इनका दूसरा जोन होता है, ट्रांजिशन जोन जिसको हम कहते हैं, ये जोन में साइंटिस्ट जा सकते हैं या रिसर्चर जा सकते हैं जिनको कहीं ना कहीं जो हमें फ्यूचर बता सकते हैं, यानी इनका जो बैलेंस है इन एनिमल्स का थ्रू आउट द एनवायरमेंट उन सबको एक मेंटेन करके रख पाए। तो रिसर्चर हो गए या फिर आपके साइंटिस्ट हो गए वो यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद जो ये तीसरा वाला जोन होता है, ठीक है, इस जोन में कोर जोन, ट्रांजिशन जोन और बफर जोन, जो बफर जोन है इसमें नॉर्मल कोई भी, जैसे हम कोई घूमना है तो हम इस बफर जोन तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व है, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कटिंग फॉरेस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन इंडिया। देखिए, यहाँ पर उन्होंने नॉट नहीं पूछा है, इम्बैलेंस पूछ लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन वही है, बस उसको वर्ड्स को थोड़ा सा हेर फेर किया। तो ऑप्शंस हैं डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, फ्लड्स एंड फेमीन्स, या रेनफॉल वेरिएशंस। तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन जो है वो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को करने का एक मेन रीजन है। ठीक है, अब यहाँ पे डिजर्टिफिकेशन भी है, यानी कि आप कोई एरिया है उसको डेजर्ट में तब्दील कर रहे हो, वो भी फ्लड्स या फेमीन्स या रेनफॉल वेरिएशन ये सब भी इम्बैलेंस करता है। बट जो एक मेन कॉज पूछा है ना, मेन कॉज, तो मेन कॉज इकोलॉजिकल बैलेंस को इम्बैलेंस करने का रीजन है कि आप सारे के सारे पेड़ जो है वो काटते चले जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कॉज तो यही, स्टार्टिंग तो यहीं से होती है, तो दैट इज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ट दैट डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 तीनों अलग अलग एग्जाम में आया है, लेकिन जो उनके पूछने का जो तथ्य है दैट इज द सेम। ठीक है, मीनिंग जो है वो सेम ही है। अब यहाँ पूछ रहा है कौन से इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं लम्बरिंग, सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव, एफॉरेस्टेशन। ये तीनों तो कहीं ना कहीं से इकोलॉजिकल बैलेंस को हेल्प ही कर रहे हैं। ये लम्बरिंग क्या होता है, और इसका आंसर लम्बरिंग ही है, लेकिन लम्बरिंग होता क्या है, लम्बरिंग इट इज अ प्रोसेस जिसमें वुड्स को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, पेड़ को काटा जाता है और उसको 100 मिलियन, जो फॉरेस्ट के पास जो 100 मिल होती है उस तक पहुंचाया जाता है, उन कटे हुए पेड़ के हिस्सों को जिनको हम लॉग्स कह रहे हैं। ठीक है, और फिर वहां पे जो भी वुड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, यानी बेसिकली लम्बरिंग में क्या है, आपका कोई अच्छा खासा ट्री है, काफी पुराना ट्री है, ठीक है, उसको आपने कट कर दिया, ठीक है, ट्री गिर गया, ठीक है, फॉलन ट्री। अब इस फॉलन ट्री का आप जो है ट्रांसपोर्टेशन करोगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करोगे इस फॉलन ट्री को, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करोगे, मिल में,
और ईमेल में ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या बनेगा, इससे वुड प्रोडक्ट्स बनेंगे, जैसे टेबल है, चेयर है, ये वुड प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये जो वुड प्रोडक्ट्स हम अपनी सुविधाओं के लिए यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी इकोलॉजी को इम्बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आया है, द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय। सबसे हाईएस्ट अगर मैं देखूँ इकोसिस्टम में जो ट्रॉफिक लेवल, कल आपको बताया था ट्रॉफिक लेवल के बारे में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताया था कि यहाँ पे तो ट्रीज है। ठीक है, ये ट्रीज है, यानी कि इन ट्रीज से, इन ट्रीज को कौन, ट्रीज कह लीजिए या घास, ग्रासेस कह लीजिए, इन ग्रास को कौन खा रहा है, डियर खा रहा है। ठीक है, इन डियर को कौन खा रहा है, टाइगर खा रहा है। ठीक है, बस हम तीन समझते हैं। तो ये आपका जो है, ये आपका प्राइमरी है, ये प्रोड्यूसर्स है। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, कंफ्यूजन होता है, ये प्राइमरी हम समझते हैं प्रोड्यूसर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर बोल देते हैं, बट दिस इज प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और वाटर के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना रहे हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट, अगर मैं ट्रॉफिक लेवल की बात करूँ, हाईएस्ट किसको कहते हैं, जो ये सबसे ऊपर है। ठीक है, सबसे ऊपर यानी कि जो सबसे स्ट्रांग है। ठीक है, तो इकोसिस्टम में सबसे स्ट्रांग कौन है। ठीक है, देखिए हर्बीवोर्स, क्या वो जो घास खाते हैं, तो देखिए डियर तो नहीं है किसी तरीके से नहीं। कार्निवोर्स, हाँ चांसेस हैं, जैसे यहाँ पे आपका टाइगर है, टाइगर जो है वो कार्निवोर्स है, जो किसी जानवर को खाए, कार्निवोर्स। हर्बीवोर जो घास को खाए, दैट इज हर्बीवोर। हर्ब का मतलब हर्ब श्रब, जो आपके प्लांट्स होते हैं, जो आपके छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ओमनीवोर्स, वो जो जो प्लांट्स को भी खाए और जो एनिमल्स को भी खाए, दोनों को खाता है, उसको हम ओमनीवोर्स कहते हैं। डिकम्पोजर्स तो वो हैं, जैसे आपके बैक्टीरियाज हो गए, जो मिट्टी में चीजें, आप कोई पेपर है उसको खत्म कर दिया, दैट इज डिकम्पोजर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पूछा है कि हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल, तो उसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि कार्निवोर्स अकेले सिर्फ एनिमल को खा रहा है, हर्बीवोर्स जो है अकेले प्लांट्स को खा रहा है, लेकिन ओमनीवोर्स वो दोनों को ही खाते हैं। ठीक है, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, इसलिए हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल कौन हो जाएगा, ओमनीवोर्स। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कॉम्पोनेंट। अब यहाँ पे मैंने बायोटिक कंपोनेंट में कल बताया था आपको, दो कंपोनेंट्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स दो टाइप के हैं, एक तो आपके होते हैं बायोटिक कंपोनेंट और दूसरे होते हैं आपके एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक यानी कि लाइफ, यानी कि लिविंग। ठीक है, जिनमें जान होती है वो सारे बायोटिक में आ जाएंगे, जिनमें जान नहीं होती लेकिन जरूरी होते हैं वो सारे आपके एबायोटिक में आ जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉन लिविंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉयल, ये सब आपकी जो है एबायोटिक है। ठीक है, तो पूछा है इनमें से कौन सा बायोटिक कंपोनेंट नहीं है। प्लांट, प्लांट में जान होता है, प्लांट है, बैक्टीरिया में होता है तभी तो वो हिल डुल रहा है, ठीक है, दूसरों को खा रहा है। ठीक है, एनिमल्स डेफिनेटली है। ठीक है, एयर, एयर इज अ एबायोटिक फैक्टर, इट्स नॉट अ बायोटिक फैक्टर, इट्स अ एबायोटिक फैक्टर या एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इको सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, यानी क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इको बॉडी इज, जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है एनर्जी एमिटेड बाय फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन जो एनर्जी जो एमिट होती है फर्मेंटेशन से, फर्मेंटेशन क्या है, जैसे आपने इडली, आपने सुना होगा कि इडली डोसा जब हम उसको फर्मेंट करते हैं, चावल और उड़द को जब हम लोग पीस के रखते हैं तो उसको हम लोग एक दिन छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ते हैं, ताकि वो फर्मेंट हो जाए। ठीक है, फर्मेंट होगा तो क्या होगा, उसमें से क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो उतना ज्यादा उसमें जितना भी उसका अमाउंट होता है उसका जस्ट डबल हो जाता है, जैसे ईस्ट का भी हम फर्मेंटेशन कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डबल हो जाता है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन ये आपका प्राइमरी सोर्स नहीं है। ठीक है, इसको मिलने के लिए मतलब प्राइमरी सोर्स वो होता है जिस जो शुरुआत होती है, ये शुरुआत नहीं, ये तो एंड प्रोडक्ट है एक तरीके से। ठीक है, सेकेंड है प्रिजर्व्ड वेजिटेबल शुगर। अब ये बॉडी में ऑलरेडी, ये वेजिटेबल में ऑलरेडी शुगर प्रिजर्व्ड है, तो कहीं से तो आया होगा जो आके इसके अंदर प्रिजर्व हो गया, तो बी भी इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूछा है प्राइमरी सोर्स। ठीक है, तीसरा है सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी लिखा हो, सन लिखा हो, ये सब आपका प्राइमरी सोर्स है, यहीं से स्टार्टिंग होता है, एंडिंग कुछ भी हो, स्टार्टिंग प्राइमरी सोर्स आपका सोलर एनर्जी ही होगा, चाहे कोई भी आप ट्रॉफिक लेवल की बात करो। ठीक है, तो एनर्जी का ट्रॉफिक, एनर्जी का प्राइमरी सोर्स क्या है, सोलर एनर्जी। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कल हम लोगों ने बात की थी पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में।
पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी मैंने बताया था इट इज ऑलवेज अपराइट, कैसा होता है, हमेशा अपराइट। अब हमेशा अपराइट का मतलब क्या होता है, हमेशा अपराइट का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि सन, ठीक है, सन से 10% जो है एनर्जी लेता है कौन, प्लांट, कोई भी प्लांट, ग्रास हो गया या कोई ट्री हो गया, कोई भी ले लिया, ठीक है। इस प्लांट्स को खाए डियर ने, डियर को खाया टाइगर ने, ठीक है, ये मैं एक सिंपल सबको बना के दिखा रही हूँ। अब आपने ये जो प्रोसेस देखा इसमें देखिए सब में 10% ही आया, बाकी 90% कहाँ हुआ, 90% जो है वो लॉस हो गया, किस फॉर्म में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में लॉस हो गया, और ये हर स्टेप में होगा, 90% हर स्टेप में लॉस होगा, और 10% किसका, ये सन से मान लीजिए 100% हमको मिल रहा है तो 100% का 10% प्लांट्स को मिला, ठीक है, लेकिन ये जो 10% प्लांट को मिला है ना, इस 10% का भी 10% डियर को मिलेगा और इस 10% का 10% टाइगर को मिलेगा, ठीक है, यानी कि हम हर स्टेप में कम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं कहूँ कि क्या मैं एरो इस तरीके से कर सकती हूँ, नहीं, कभी नहीं कर सकती, क्योंकि प्राइमरी सोर्स तो हमेशा सन ही रहने वाला है, सन ही देने वाला है एनर्जी, कोई और एनर्जी नहीं दे सकता, सो सन इज द प्राइमरी सोर्स, ठीक है, चाहे वो किसी भी इकोसिस्टम की बात करो, ट्रॉफिक लेवल की बात करो, सोलर एनर्जी विल ऑलवेज बी द प्राइमरी सोर्स, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, कंसर्निंग द फूड चेन्स इन इकोसिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज और आर नोन एज डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म या फिर डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये पूछा है, सिंपल क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिए हैं, वायरस है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि फंजाई या बैक्टीरिया ये आपको नॉर्मली देखिए मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है, और तो वायरस भी मिलता है, बट डिकम्पोजर की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। डिकम्पोजर्स वो हैं जो किसी ने मतलब जो डिकम्पोज करते हैं चीज़ों को, जैसे आप जमीन में कोई पेपर देखिए, ठीक है, वो पेपर को आप कुछ सालों बाद देखोगे वो पेपर वहाँ नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर चुका होता है, उसको खा चुका होता है, ठीक है, खा के उसको वेस्ट प्रोडक्ट में उसको उसको जो है मिट्टी में मिला चुका होता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये काम बैक्टीरिया भी करता है और ये काम फंजाई भी करता है, लेकिन ये काम वायरस कभी नहीं करता, ठीक है, वायरस कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास और कुछ है ही नहीं। वायरस में दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोटीन होता है और दूसरा इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है। अब ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। प्रोटीन मान लीजिए इस तरीके का आपका वायरस है, ठीक है, ये वायरस है, तो ये जो बाहर का जो इसका स्ट्रक्चर है, ये कवरिंग, ये प्रोटीन की है, ठीक है, और इसके अंदर डीएनए, आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड कैसा भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन दो ही चीज प्रेजेंट होती है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और डिकम्पोज करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, सिर्फ दो चीजें वायरस में पाई जाती हैं, इसलिए ये डिकम्पोज नहीं कर सकता, ठीक है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 and 3, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अभी कुछ क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर पहचान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है, जो भी ऑप्शन दिया है उसको बस एक डायग्राम बनाइए और समझिए, ठीक है। सबसे पहला तो आपका प्रोड्यूसर आ जाएंगे, ठीक है, जो आपके प्लांट्स है, प्रोड्यूसर्स है, ठीक है। उसके बाद इन प्लांट्स को कौन खाता है, इन प्लांट्स को डियर खाता है, ठीक है, और इन डियर को कौन खाता है, इन डियर को क्या कौन खाता है, टाइगर खाता है, ठीक, इन डियर को कौन खाता है, टाइगर खाता है। अब देखिए यहाँ पे ये टाइगर हो सकता है, उसकी जगह पे फॉक्स भी हो सकता है, क्योंकि फॉक्स भी कार्निवोरस होता है, ये भी कार्निवोरस है, ये भी कार्निवोरस है, ठीक है, ये दोनों ही कार्निवोरस है आपके 3 और 4, ये दोनों ही कार्निवोरस है, ठीक है। एंट्स जो हैं वो भी आपके डायरेक्ट जो है कोई जैसे शुगर है, शुगर प्रोडक्ट उसको खा रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका प्राइमरी कंज्यूमर में ही आएगा, और डियर ये भी आपका प्राइमरी कंज्यूमर में आएगा, तो डियर की जगह यहाँ पे साइड में आप एंट्स भी लिख सकते हो। अब देखते हो कि जितने जैसे ब्रेड है, कहीं आप जमीन पे ब्रेड रखे रहो वहाँ पे चींटियाँ लग जाती हैं, ठीक है, कोई 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 मीठी चीज़ है वहाँ पे चींटियाँ लग जाती है, तो बेसिकली किसी और जानवर को नहीं खा रहे, ठीक है। डियर जो है वो प्रोड्यूसर्स यानी कि उन चीज़ों को खा रहे हैं जो आपका जो एक तरीके से प्रोड्यूसर है बेसिकली, ठीक है। हाँ, एंट्स जो है दूसरे एंट्स को भी खाते हैं, इसलिए भी इसको आप प्राइमरी कंज्यूमर कह सकते हो, अपने ही स्पीशीज के भी एंट्स को खाते हैं, बट दैट इज समवट रेयर केस, बट यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1 and 2, ऐसा है क्या कोई, यस, ए,
ठीक है, ये यूपीपीसीएस मेंस में आया, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा समझने का, फिर डायग्राम बनाओ और समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इन अ फूड चेन मैन इज, मैन क्या है? ठीक है, अब ह्यूमन की बात की जाए तो आपको पता है सिंपल सी चीज है, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन ओमनिवोर्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमन कैसे होते हैं, ओमनिवोर्स। अब ओमनिवोर्स है यानी कि वो जो ह्यूमन है वो प्लांट्स भी खा रहे हैं और वो एनिमल्स भी खा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, ये प्लांट्स भी खा रहे हैं और ये एनिमल्स भी खा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ, उसी डायग्राम को बार बार आपको, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए, इकोसिस्टम, फूड चेन या फूड वेब, इस तरीके के क्वेश्चन आए, हमेशा डायग्राम बनाइए। ठीक है, तो सबसे नीचे तो आपके प्रोड्यूसर्स होंगे। अब हम तो जो है ह्यूमंस जो है वो आपके इसको भी खा रहे हैं। ठीक है, और दूसरे आपके यहाँ पे, मान लीजिए मैं मैन यहाँ भी लिख सकती हूँ और मैन यहाँ भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए मैन यहाँ पे डियर भी खा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, डियर प्रोड्यूसर्स को डियर खा रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स को डियर खा रहे हैं, डियर को मैन खा सकते हैं, खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। प्रोड्यूसर्स को क्या मैन खा सकते हैं, यस बिल्कुल खा सकते हैं। तो मैन देखो दोनों में डोमिनेंट है, यानी कि ये प्राइमरी कंज्यूमर भी है और ये सेकेंडरी कंज्यूमर भी है, दोनों ही है। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर भी है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी है। ठीक है, इसको आप प्लांट प्रोड्यूसर्स ही कहोगे, तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% लॉ। अब ये 10% लॉ दिया किसने, मैंने कई बार ये आपको टर्म बोला है 10% लॉ, इसमें अब इतने बार पढ़ लिया तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हीट, बर्ड, वाटर, नहीं कोई भी नहीं होगा इसमें, एनर्जी का ट्रांसफर होता है एज फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब ये जो 10% लॉ है दिया किसने है, ये दिया है आपको लिंडमैन साहब ने। ठीक है, किसने दिया है, लिंडमैन ने, कब दिया है, 1942 में। ठीक है, 1942 में, और इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाता है और सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो ही स्टोर होता है एज इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश, बाकी सब का सब लॉस हो जाता है, लॉस इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो सिर्फ 10% जो है वो आगे पहुंचेगा। ठीक है, और ये 10% बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक प्लांट की बात करूँ, 1000 जूल का मान लीजिए सन जो है वो 1000 जूल दे रहा है। ठीक है, एनर्जी, तो प्लांट्स ने जब इस सन को लिया, एनर्जी ली, तो उसको सिर्फ 100 जूल पड़ा। ठीक है, 100 जूल उसके पास पहुंचा, क्योंकि 10% ही पहुंचा ना, 10% ही सिर्फ उसमें स्टोर हो पाया, बाकी 90% तो क्या हो गया, वो लॉस हो गया। ठीक है, अब इन प्लांट्स को खाया डियर ने, तो डियर तक तो सिर्फ 10 जूल पहुंचा। ठीक है, अब इस डियर को खाया, मान लीजिए इस डियर को खाया टाइगर ने, ठीक है, तो टाइगर तक तो सिर्फ 1 जूल पहुंचा ना। अब इस टाइगर को मान लीजिए कोई और खाता है तो उसको कितना पहुंचेगा, उसको 0.1 जूल पहुंचेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ते जाते हो, एनर्जी लेवल कम होता चला जाता है। ठीक है, और एनर्जी लेवल जैसे जैसे कम होता जाएगा, आपको उसकी जो मेन चीजें हैं वो नहीं मिल पाएगी, वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और धीरे धीरे लेथार्जी आती है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसीलिए प्लांट्स भी खाने चाहिए। डायरेक्टली आप जब प्लांट्स खाते हो तो आपको देखिए आप बहुत एक्टिव रहोगे, बहुत एनर्जेटिक रहोगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे वाले ट्रॉफिक लेवल की चीज़ों को खाते हो, आपके अंदर लेथार्जी ज़्यादा आएगी, एनर्जी कम आएगी। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है एनर्जेटिक होने का जो वीगन होते हैं। ठीक है, तो 10% लॉ जो है इज रिलेटेड विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। सॉरी, सो विद दिस थैंक यू फॉर टुडे। हम लोग आगे इसी तरीके से इकोलॉजी के और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे। थैंक यू।